Subscribe and hit the bell icon for the latest video. And how did you like the video? Please do comment, like and share. सरस्वत और महिमान बुद्धा, उनके करुणा और प्रतिज्ञा क्या थे आज जानते हैं। बुद्धा की आत्मा महान प्रेमपूर्ण दया और करुणा की है। महान प्रेमपूर्ण दया वो भावना है जो किसी भी और सभी तरीकों से सभी लोगों को बचाती है। महान करुणा वो भावना है जो इसे लोगों की बीमारी से बीमार होने, उनके दुखों से पीड़ित होने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारा दुख मेरा दुख है और तुम्हारा सुख मेरा सुख है, बुद्धा ने कहा। और जैसे एक माँ हमेशा अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वे एक पल के लिए भी भावना को नहीं भूलते, क्योंकि बुद्धत्व का स्वभाव करुणामय होना है। बुद्धा की करुणा की भावना लोगों की जरूरतों के अनुसार उत्तेजित होती है। किसी की अस्थियाँ इस भावना की प्रतिक्रिया है और ये उसे ज्ञान की ओर ले जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करके अपने मातृत्व का एहसास करती है, फिर बच्चा उस प्रेम की प्रतिक्रिया करते हुए सुरक्षित और सहज महसूस करता है। फिर भी लोग बुद्धा की इस भावना को नहीं समझते और अपनी अज्ञानता से उत्पन्न भ्रम और इच्छाओं से पीड़ित रहते हैं। वे सांसारिक वासनाओं द्वारा संचित अपने कर्मों से पीड़ित होते हैं और अपने बुरे कर्मों के भारी बोझ के साथ भ्रम के पहाड़ों में भटकते रहते हैं। ये मत सोचो कि बुद्धा की करुणा केवल वर्तमान जीवन के लिए है। ये शाश्वत बुद्धा की कालातीत करुणा की आज्ञा व्यक्ति है जो अज्ञात समय से सक्रिय है, जब मानव जाति अज्ञानता के कारण भटक गई थी। शाश्वत बुद्धा हमेशा लोगों के सामने सबसे मैत्रीपूर्ण रूपों में प्रकट होते हैं और उन्हें राहत के सबसे बुद्धिमान तरीके बताते हैं। शाक्यमुनि बुद्धा अपने शाक्य रिश्तेदारों के बीच एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए। तपस्वी जीवन जीने के लिए अपने घर के आराम को छोड़ दिया। मौन ध्यान के अभ्यास के माध्यम से उन्होंने ज्ञान का एहसास किया। उन्होंने अपने साथियों के बीच धर्म शिक्षा का प्रचार किया और अंततः अपनी सांसारिक मृत्यु के द्वारा इसे प्रकट किया। बुद्धत्व का कार्य उतना ही शाश्वत है जितना कि मानव अज्ञान अंतहीन है, और जैसे अज्ञान की गहराई अथाह है वैसे ही बुद्ध की करुणा असीम है। जब बुद्ध ने सांसारिक जीवन से नाता तोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने चार महान प्रतिज्ञाएं की। 1, सभी लोगों को बचाना। 2, सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग करना। 3, सभी शिक्षाओं को सीखना। और 4, पूर्ण ज्ञान का प्राप्त करना। ये प्रतिज्ञाएं प्रेम और करुणा की अभिव्यक्तियाँ थी जो बुद्धत्व की प्रकृति के लिए मौलिक है। बुद्ध ने सबसे पहले खुद को किसी भी जीवन प्राणी को मारने के पाप से बचाने के लिए सिखाया। वे चाहती थी कि सभी लोग लंबे जीवन के आशीर्वाद को जान सके। बुद्ध ने चोरी के पाप से बचने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया। वह चाहती थी कि सभी लोगों को उनकी जरूरत की हर चीजें मिले। बुद्ध ने खुद को कभी भी व्यभिचार न करने के लिए प्रशिक्षित किया। वह चाहती थी कि सभी लोग शुद्ध आत्मा के आशीर्वाद को जान सके और अतृप्त इच्छाओं से पीड़ित ना हो। बुद्धा ने अपने आदर्श को लक्ष्य करते हुए खुद को सभी दुखों से मुक्त रहने के लिए प्रशिक्षित किया। वह चाहती थी कि सभी लोग मन की शांति को जान सके जो सच बोलने से आती है। उन्होंने खुद को दुहारी बात से बचने के लिए प्रशिक्षित किया। वह चाहता था कि सभी लोग संगति का आनंद जाने। उन्होंने दूसरों को गाली देने से बचने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया। और फिर उन्होंने कामना की कि सभी के पास शांत मन हो जो दूसरों के साथ शांति से रहने से प्राप्त होगा। उन्होंने खुद को बेकार की बातों से मुक्त रखा और फिर कामना की कि सभी को सहानुभूतिपूर्ण समझ का आशीर्वाद मिले। बुद्धा ने अपने आदर्श को लक्ष्य करते हुए खुद को लालच से मुक्त रखने के लिए प्रशिक्षित किया और इस पुण्य कार्य से उन्होंने कामना की कि सभी लोग इस स्वतंत्रता के साथ आने वाली शांति को जान सके। उन्होंने खुद को क्रोध से बचने के लिए प्रशिक्षित किया और उन्होंने कामना की कि सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें। उन्होंने खुद को अज्ञानता से बचने के लिए प्रशिक्षित किया और कामना की कि सभी लोग कार्यकारण के नियम को समझें और उसकी अहेलना ना करें। इस प्रकार बुद्ध की करुणा सभी लोगों को गले लगाती है और उनका निरंतर विचार उनकी खुशी के लिए है। वे लोगों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनके लिए सर्वोच्च आशीर्वाद की कामना करते हैं, अर्थात वे जन्म और मृत्यु के इस सागर से पार हो सके। तो यह था गौतम बुद्ध की करुणा और प्रतिज्ञाएं, जो कि गौतम बुद्ध महान प्राकृतिक करुणा है, और हमें भी उनके जैसी सोच रखनी चाहिए, उनके जैसी करुणा होना चाहिए। जिंदगी में हर किसी के पास करुणा होना बहुत जरूरी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।